हेलो गाइस, मैं वर्ष और आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस, आज हमारे पास है नई वाली यामाहा की MT-15। ये एक ऐसी बाइक है ना भाई, एक ऐसी नेकेड मशीन है 150cc में। इसके जैसी दिखने वाली बाइक आपको पूरे इंडियन मार्केट में नहीं मिले। काफ़ी बढ़िया गाड़ी देखने लगती है, इसका हेड वगैरह काफ़ी अच्छा देखने में लगता है और काफ़ी अलग टाइप का देखने में लगता है। एक सेगमेंट इसका अलग है। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 1,68,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी में बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया इंजन रिफाइनमेंट के साथ आती है, पावर फिगर के साथ आती है और उसके साथ इस गाड़ी का माइलेज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिल जाता है, USD फोर्क देखने मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल वगैरह काफी वाइड है और कॉर्नर के टाइम पे भाई गाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्म करती है। बाकी आपको कैसी लगी गाड़ी कमेंट में जरूर बताना भाई, गाड़ी देखने में काफी बढ़िया लगती है। बाकी अपन फ्रंट से बात करें, फ्रंट से इसका गाड़ी का कुछ ऐसा हेड देखने मिल जाता है, काफी बढ़िया लगता है। इसके जो DRL है इसकी आंखों जैसे दिखते हैं और इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर जो है आपको भले छोटा सा दिखे लेकिन इसका थ्रो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। टर्न सिग्नल वगैरह पूरे LED मिल जाते हैं, टेल लाइट सेटअप, टर्न इंडिकेटर पूरा ही LED वाला मिल जाता है। इस गाड़ी में कहीं भी आपको हेलोजन देखने को नहीं मिलता है। नंबर प्लेट लगाने का आपको यहीं पास से ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे हेडलाइट के जस्ट नीचे, आप यहाँ पे नंबर प्लेट लगवा सकते हो। USD फोर्क आपको देखने मिल जाते हैं। बाकी इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। फ्रंट में आपको 100x80x17 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। इसमें टायर में आप कॉर्नर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से कर लोगे, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के टायर्स हैं। और इसमें अगर आप देखोगे मडगार्ड का डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखा है। बाकी ये पूरी मैट फिनिश वाली गाड़ी है, इस कलर में काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसका एलॉय व्हील का डिजाइन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका टैंक का डिजाइन भी काफी बढ़िया तरीके से रखा गया, पूरा डुअल टोन फिनिश में टैंक का जाता है। मीटर कंसोल की अपन बात करते हैं, इसमें आपको नेगेटिव LCD में देखने को मिल जाती है। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पास इसका कीहोल प्लेसमेंट मिल जाता है। इसको मैं चालू करके दिखा देता हूँ। चाबी वगैरह आपको बिल्कुल नॉर्मल सी मिलती है, अलग से कुछ भी नहीं है। चालू कर देता हूँ, इसमें हाई बॉडी करके आता है। बाकी अगर आप इसमें देखोगे आपको शिफ्ट लाइट वगैरह अलग से दिख जाती है। इस गाड़ी में गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, RPM हो गया, ट्रिप हो गया, टाइम हो गया, वो सब चीज़ देख सकते हो। स्पीड वगैरह पूरा डिजिटली शो कर देती है। इस गाड़ी में आपको VVA टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, शिफ्ट लाइट हो गया, फ्यूल कंजम्पशन इंडिकेटर हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर मिल जाता है। यहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती है जिसमें आप कॉल, SMS, ईमेल अलर्ट देख लोगे, फोन बैटरी इंडिकेशन हो गया, लास्ट पार्किंग लोकेशन, फ्यूल कंजम्पशन ट्रैकर, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, रेव डैशबोर्ड और माल फंक्शन नोटिफिकेशन जैसे फीचर मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी में बहुत ही बढ़िया फीचर देखने मिल जाते हैं। उसके साथ इस गाड़ी में मीटर की विजिबिलिटी काफी बढ़िया है। हालांकि अभी मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, थोड़ी सी पॉलिथिन चढ़ी हुई तो आपको शायद कम दिख रहा होगा, लेकिन विजिबिलिटी इसके मीटर की काफी बढ़िया है। और इसमें आप लाइट वगैरह भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल वाला हैंडल बार देखने मिल जाता है। इसमें स्विचेस की क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है, पूरे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ स्विच आते हैं। लेकिन एक चीज है भाई, इस गाड़ी में हॉर्न ऊपर की तरफ है, टर्न इंडिकेटर भाई नीचे की तरफ है भाई, ये चीज पता नहीं क्यों है। बार एंड काफी बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं। साइड मिरर वगैरह आप देखोगे तो काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसकी विजिबिलिटी है काफी बढ़िया है। क्लच वगैरह इस गाड़ी का काफी लाइट लगा मेरे को। राइट साइड में आपको इंजन कुल स्विच हो गया और अपना यहीं पास से इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। बाकी हैंडल बार काफी वाइड है, काफी ज्यादा ऐसे अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हो बहुत स्टेबल रहता है और आपको जो है काफ़ी बढ़िया रिस्पांस भी देता है। यहाँ पे आप देखोगे फ्यूल कैप वगैरह भी जो है डुअल टोन फिनिश के साथ में आती है। टैंक भी आपको डुअल टोन फिनिश के साथ में मिल रहा है और ये पूरा मैट फिनिश वाला टैंक है, काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। और अगर आप इसके ग्लॉसी कलर को भी लोगे तो उसमें भी काफ़ी बढ़िया लगता है। इस गाड़ी में आपको 10 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है, MT-15 आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है और उसका थोड़ा सा लोगो का डिज़ाइन भी बना हुआ है। बाकी इसमें आप देखोगे टैंक का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, यहाँ पे आपको MT लिखा हुआ मिल जाता है। थोड़ा सा ऐसे कवरिंग टाइप की इंजन की है। बाकी इसमें जो है अलग से लेग गार्ड अगर आप लगवाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब इंजन की सेफ्टी बढ़ जाएगी। इंजन की अगर अपन बात करते हैं, इस गाड़ी में आपको 155cc का इंजन मिल जाता है जो कि 18.4 PS की पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देगा। इस गाड़ी में 6 गियर देखने को मिल जाते हैं और इंजन की कवरिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको इंजन काउल वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी चीज़ है। टो शिफ्टर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 6 गियर देखने को मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया। बाकी फुटरेस्ट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। साइड पैनल में आपको जितना भी फाइबर वगैरह दिख रहा है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। सीट जो है एकदम सिंगल वाली है और साइड में आपको जो अब यहाँ पे मेटल मिलने लगा है। ये मेटल होने की वजह से इसकी क्या बोलते हैं सेफ्टी वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है, मतलब आपकी जो है गाड़ी कभी गिरती है तो आपके डायरेक्ट जो है इसमें फाइबर में इंपैक्ट नहीं पड़ता है और अगर कोई बैठता है पीछे उसको ग्रैब करके पकड़ सकता है, मतलब बैठ सकता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे पूरा आपको ओपन चेन सिस्टम देखने को मिल जाता है। टायर के बाजू में प्रॉपर आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है। मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाता है। सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा सा स्टिफर साइड पे मिलेगा। 810mm के आसपास की इसकी सीट हाइट देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी टायर प्रोफाइल अगर मैं दिखाऊँ ना काफ़ी बढ़िया है, इसके टायर के कॉर्नर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है।
यमा आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसमें स्टिकर वगैरह भी अच्छे तरीके से बनाया गया है। बाकी सीट वगैरह जो है जो चलाएगा राइडर के लिए काफी बढ़िया है। बाकी पिलियन भी जो बैठेगा तो उसके लिए भी काफी बढ़िया है। इसमें ग्रिप वगैरह इस बार काफी बढ़िया बना दी गई है। टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर पूरे एलईडी सेटअप के साथ में आ जाते हैं। बाकी इसका मडगार्ड वगैरह जो एकदम पीछे तक बढ़ा हुआ है। इसका जो क्या बोलते हैं सीट वगैरह जो एकदम जस्ट टायर के ऊपर पे ही खत्म हो जाती है। सीट इस गाड़ी की लंबी नहीं है तो जो पिलियन बैठेगा थोड़ा सा उसका कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। बाकी राइडर को काफी बढ़िया मतलब कंफर्ट वगैरह आ जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो मडगार्ड के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे मेटल वगैरह देखने को मिल जाता है, फ्रेम उसका देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया हो जाती है। बाकी टेल लाइट सेटअप अगर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मडगार्ड जो है ज़्यादा से नीचे तक नहीं है। हालांकि इसका जो क्या बोलते हैं टायर फ्लैप वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। उसके साथ में रियर में आपको काफ़ी बढ़िया साइज़ का टायर मिल जाता है, 140/70/17 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। तो इसकी टायर प्रोफाइल वगैरह काफ़ी बढ़िया है। बॉडी लाइन और बॉडी डिज़ाइन वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। उसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ ना तो आपको इसमें रियर वाला डिस्क वगैरह कुछ ऐसा देखने मिल जाता है। साइलेंसर में अगर आप देखोगे अलग से पीछे की तरफ जो है सिल्वरिश कलर का जो है अपने फाइबर वगैरह पार्ट यूज़ किया गया है। उसके बाद जो है साइलेंसर में प्रॉपर आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी जो है फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। इसमें आपको जितने भी क्या बोलते हैं मेटल पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं फुटरेस्ट वगैरह वो आपके पूरे सिल्वर कलर के देखने को मिलते हैं। ये चीज़ अलग से हाईलाइट होते रहते हैं गाड़ी में तो ये काफ़ी बढ़िया देखने में लगते हैं। बाकी साइड पैनल हो गया वो सब मैंने आपको दिखा दिया। इस गाड़ी का जो है 141 kg के आसपास का वेट मिल जाता है। इंजन में प्रॉपर आपको यहाँ पे फाइबर की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसमें साइलेंसर गार्ड वगैरह काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। उसके बाद जो अगर इस गाड़ी में आप लेग गार्ड वगैरह कुछ अपने लगवाना चाहते हो वो अलग से लगवा लो तो आपकी सेफ्टी वगैरह गाड़ी की और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको गाड़ी कॉमेंट में ज़रूर बताना। गाड़ी देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छा पावर फिगर मिल जाता है। इस गाड़ी का इनिशियल बहुत अच्छा है, टॉप एंड काफ़ी अच्छा और मिड रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल जाता है। लुक वाइज मैंने आपको बता दिया काफ़ी बढ़िया लगता है। रिफाइनमेंट इस गाड़ी के इंजन का काफ़ी बढ़िया है। बाकी ब्रेक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। कॉर्नर वगैरह इस गाड़ी में करोगे तो कॉर्नरिंग बहुत ही आराम से गाड़ी झेल जाती है। फीचर इस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इस गाड़ी की और कंफर्ट वगैरह भी इस गाड़ी में आपको अच्छा मिल जाएगा। हालांकि पिलियन के लिए ज़्यादा कंफर्ट नहीं है लेकिन जो राइडर है उसके लिए कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो सबसे पहले एजेंसी जा करके देखो, चला करके देखो, फिर डिसाइड करो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।